महाराज भीष्मक बोले हैं मंत्री महाराज मंत्री महाराज एक काम करना होगा आपको केवल एक ही काम बिल्कुल आपको सभा में ऐलान करो किस चीज का महाराज जवाब दिया सभा में ऐलान कर दो आज हमारी बेटी जो रुक्मिणी है ना महाराज हाँ आपकी बेटी हाँ हमारी बेटी कौन रुक्मिणी महाराज आपकी बेटी भी है हाँ बेटी है कब भाई हमारी नहीं है तो महाराज भीष्म ओ आज एक खत लिख दो पहले और देश विदेश में खत भिजवा दे और सभा में ऐलान तुझे करना होगा हम जो बोलेंगे बस तुझे वो ही लिखना है महाराज समझ गया खत लिखना है बिल्कुल तुझे खत लिखना है ऐलान भी करना है ऐलान भी करना है जो बोलना वही लिखना वो जो हम बोलेंगे तुझे वो ही लिखना है महाराज हाँ पत्र ले लें और ये मैया अंतिम विदाई के तौर पर 200 माफ करना 400 ही मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही हैं ये माँ पूरे बोल तो 200 खा रहे हो अम्मा मैं क्या आशीर्वाद देंगे माँ को मैं तो आशीर्वाद पुनः लेंगे इनके चरणों की मिट्टी हमारे मस्तक पर चमक रही है तो मैं तो इस मैया को इस मैया से ये आशीर्वाद लेना चाहेंगे हमेशा हमेशा के लिए ऐसी चमकती रहे बोलिए गोविंद भगवान की मंत्री महाराज बोले महाराज हाँ एक सेकंड जल्दी कर ले हाँ महाराज बोलो 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 इसमें ये लिखो इसमें ये लिखो ये नहीं मत लिखना ये नहीं लिखना ये नहीं लिखना अभी तो हमने बोला भी नहीं है अभी तो हमने बोला भी नहीं है फिर बक क्या रहा है फिर बक क्या रहा है ये लिखने को नहीं कह रहा हूँ ये लिखने को नहीं कह रहा हूँ मंत्री मंत्री मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं तू लिख क्या रहा है मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं तू लिख क्या रहा है अरे तू तो लिख रहा है अरे तू तो लिख रहा है अरे हम कहाँ लिख रहे हैं अरे हम कहाँ लिख रहे हैं मंत्री मंत्री तुझे क्या हो गया तुझे क्या हो गया अरे तुझे हुआ क्या अरे तुझे हुआ क्या तू ऐसे हमसे बोलेगा तू ऐसे हमसे बोलेगा तू हमसे ऐसे बोलेगा तू हमसे ऐसे बोलेगा हाँ तो से हम ऐसे बोलेंगे हाँ तो से हम ऐसे बोलेंगे अरे तू मेरा नौकर है अरे तू मेरा नौकर है हम तेरे नौकर हैं हम तेरे नौकर हैं हाँ हाँ तू मेरा नौकर है तू मेरा नौकर है लौड़ा हाँ मंत्री मंत्री तू से कह रहा हूँ तू से कह रहा हूँ अरे तेरे राजा ही हम अरे तेरे राजा हैं हम तू कहाँ से राजा हो गया तू कहाँ से राजा हो गया मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है रात में वैसी भी नहीं सो पाए मंत्री मंत्री अरे मैं तुझे बुला रहा हूँ अरे मैं तुझे बुला रहा हूँ महाराज 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 देखो देखो मैं खड़ा हो गया मैं खड़ा हो गया देखो 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 मैं खड़ा हो गया देखो मैं खड़ा हो गया देखो मैं आपके पास में आ रहा हूँ देखो मैं आपके पास में आ रहा हूँ देखो मैं आपके पास आ गया देखो मैं आपके पास और नजदीक और नजदीक देखो और नजदीक आ गया देखो और नजदीक आ गया महाराज महाराज देखो मैं बैठने जा रही है देखो मैं बैठने जा क्या है महाराज तुझे क्या हो गया था किसको तुझे मुझे क्या हो गया कुछ नहीं
तब से मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे पागल समझ रखा है। क्यों महाराज, आपने तो कहा जो बोले वही लिखना है। अरे अभी तो हमने बोला भी नहीं जो लिखवा रहे हैं वो। आपने कहा जो बोले वही लिखना, मैं तो वही लिखने लगा, मुझे क्या पता। पागल चल, अब गीता हम बोलेंगे, तू अगर बीच में बोलेगा उतरी मम महाराज। ठीक ठीक ओके, आई एम ओके बोलेगा नहीं, बिल्कुल आई एम ओके। उसमें ये लिखो हमारे महाराज भीष्म की जो पुत्री है रुक्मिणी, शादी के योग्य है, और शादी के योग्य है और किसी के नजर में सुंदर वर हो, सुंदर घर हो तो मुझे बताएगा आकर के। आज सभी सभा में बोलने का सभी को हक है, मंत्री 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 कतल गया, मंत्री मंत्री सो रहा हुआ है। शिवराज जाए ठाडो करके लगे थप्पड़ दे जगो वो सोवा जाए। उठा का को करा जाए, जाए हम सोन की हमने कही थी कि तू सो जब थप्पड़ दे जग मिल जाए के उठा खराब कर रहा है। तुझे क्या हो गया था, भूल क्यों नहीं रहे है तुम महाराज? तुझसे कब से पूछ रहे महाराज? छुट्टी दे दो, जा रहे हैं, कहीं बोलना है कहीं नहीं बोलना, कहीं वही लिखना है कहीं नहीं लिखना है महाराज, हम जा रहे हैं। रुक 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 रुक, कलाकार हमने इज्जत थोड़ी ना कह दी, तू बिल्कुल ही तार लगा ले। ओ महाराज, आपने कहा नहीं बोलना नहीं, इसलिए बोला ही नहीं। चल ऐलान कर दे, तिरंगा अगरबत्ती तीन भारतीय कुछ। ओ ये क्या बकरा है, इसमें क्या बकरा है? नहीं महाराज, उसमें लिखा था ना महाराज, ओ देश में एक देशभक्ति की खुशबू महाराज। ओ महाराज सही बताएं, लिख नहीं पाया महाराज, स्याही खत्म हो गई, दोबारा बोल। अगर तुम्हारे पर न गो तो महाराज आप महाराज बोल दो, एक बार बोल दो। बस में ये लिखो, एक बार बोलेंगे एक, अब की नहीं बोलेंगे बस में लिखो, ये लिखो हमारे महाराज। अब क्या है महाराज, आप इतना बड़ा बोल दे महाराज, थोड़ा थोड़ा बोलो ना, एकदम बहुत बड़ा बोल दे। हमारे हमारे महाराज महाराज भीष्म भी भी बाबती बड़ी की मत भीष्मक की जो लड़की है, की जो लड़की है रुक्मिणी गुड़ी मुड़ी है। क्या बकरा है महाराज, वही लिख रहा हूँ मैं, रुक्मिणी बता रहा हूँ मैं महाराज, वही लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा है? गुड़ी मुड़ी रुक्मिणी महाराज, वही लिख रहा हूँ। बोका तू लिख रहा है, तू तो गुड़ी मुड़ी बता रहा है, हमारी बेटी रुक्मिणी है, गुड़ी मुड़ी पता नहीं किसी फलाने की हुई तो। गुड़ी मुड़ी नहीं बता रहा हूँ, तो गुड़ी मुड़ी बता रहा हूँ, गुड़ी मुड़ी बिल्कुल नहीं, रुक्मिणी तुझे लिखना है। हाँ मैं गुड़ी मुड़ी नहीं लिख रहा हूँ, गुड़ी मुड़ी लिख रहा हूँ। लड़के तू क्यों हमें परेशान कर रहा है महाराज? आपको पता है आपके साथ बहुत दिन हो गए, पता है महाराज हम तोतला है तो महाराज। अरे तो खत में तो लिख रहा है रुक्मिणी महाराज, खत में तो लिख रहा हूँ गुड़ी मुड़ी। चल तू मर जैसे मर, सभी को आज बोलने का हक है, सुंदर बर होना चाहिए, सुंदर घर होना चाहिए। ओके ऐलान कर दे, ऐलान कर दो महाराज, मैं कर दूं? तू करू 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 करू। भाइयों और भौजाई और इस गांव के नाइयों और मेरपुरी के हलवाई महाराज, पन्ना फटने महाराज, पन्ना फटने महाराज, मूड खराब कर रहा है महाराज। सही है,
कल सभी लोग टाइम से आ जाए, पूड़ियां बरसेंगी, मुंह फाड़ के आना अपनी 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 घर से झोला। महाराज मैं ही ऐलान कर रही हूं, सभा में बैठे उपस्थित सभी को एक बात सूचना देने के लिए जा रही है। हमारी जो लड़की है ना, रुक्मिणी है, शादी के योग्य है, सुंदर वर होना चाहिए, सुंदर घर होना चाहिए। किसी के अगर नजर में है वो आज मुझे बताएगा, किसी को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें से एक खड़ा हो गया सभा में, जवाब दिया, महाराज महाराज जी महाराज की जय जयकार, खुश रहो बेटा महाराज। हाँ, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगा रखी है, ये देखो कैसे शुक्र शनिचर इतवार, तुम्हें कोई इतना मरे मैं, हम तो महाराज 50% सही है ना। सुन पहले। हाँ महाराज, क्या कहना चाह रहा है, क्यों खड़ा हो गया महाराज? हाँ मैं तो कह रहा हूँ, आप बहुत देर से परेशान हो। परेशान है तो ये किस चीज की चर्चा हो रही है महाराज? ये चर्चा हो रही है हमारी बेटी रुक्मिणी है, उसकी शादी की चर्चा हो रही है। ओ, रुक्मिणी की चर्चा छत पे चढ़ेंगे? नहीं, तो छत पे नहीं, चर्चा हो रही है शादी की। चर्चा हो रही है शादी की? हाँ महाराज, आपकी बेटी की? हाँ हमारी बेटी। आपकी बेटी भी है महाराज? बिल्कुल है। कितनी बड़ी है महाराज? करीबन 19 वर्ष की। तो महाराज लड़का कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए? 21-22। अरे महाराज ये तो तुम मुझे पहले बोल देते। ओ महाराज हो गया फैसला, एक दिन पूछ लीजिए, फैसला हो गया महाराज। नहीं महाराज इंग्लिश में बताया ना मैंने भी। महाराज बोल 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 बोल। लड़का 21 साल का होना चाहिए? 21-22 का तो होना चाहिए। 7 साल के महाराज 3 हो गया फैसला? बिल्कुल पशु है। क्यों? क्या गोदी में लेकर के हमारी बेटी उनको खिलाएगी? अरे बहुत फायदे, एक मज्जा बिटिया एक किन दत्तो, एक मज्जा एक बिटिया राण ना होगी। मैं राजा हूँ, मैं भी मंत्री। बिल्कुल तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। या कोई राजा हो या कोई राजकुमार हो, उसके साथ में मेरी बेटी की शादी होगी महाराज। हाँ एक लड़का है। कौन है? वही कौन? चिक चिक पुक पुक। उन में से एक खड़ा हो गया, तेरी बस की नहीं है, तू बता दे। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो बेटा। महाराज हम देख रहे हैं तब से आप बहुत परेशान हो रहे हैं। बेटा बहुत परेशान है, बेटी है शादी की लायक। शादी लायक है महाराज, आपको वर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है महाराज। एक लड़का है मेरी नजर में। कौन है? बहुत सुंदर है। कौन है महाराज? आप उसे जानते भी हो? हम जी। और बहुत अच्छा भी है। अच्छा, उसके नेचर भी जानते हो आप? बड़े स्वभाव वाला है महाराज। देखो महाराज वो बैठा है लाल शर्ट पहन के, वो पीछे देखो महाराज, वो किधर? वो देखो महाराज लाल शर्ट पहन के बैठा है, वो देखो अपनी हेयर स्टाइल सही कर रहा है महाराज। किधर? वो देखो पीछे में महाराज। तेरे साथ? क्यों तेरे साथ में महाराज? देख देख तेरे साथ महाराज इसका मतलब फैसला हो गया, हमें पसंद आ गया। आप हंस रहे हो तेरे साथ में अपनी बेटी की शादी करेंगे, तू हमारा नौकर है, समझ गया महाराज? क्या नहीं है, दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, पूछ नहीं महाराज। नहीं तेरे साथ में नहीं करेंगे। फिर कोई राजा हो या राजकुमार? महाराज एक लड़का है। कौन है महाराज? आपने उसका नाम सुना होगा। हमने जी क्या नाम बता? द्वारकाधीश कन्हैया। अभी ये तूने बात कही, मैंने सोचा आप गोदी में ले रहे हो। फैसला हो गया। हो गया महाराज। खत लिख, अग्रसेन के लिए खत भेजवा दे, फैसला। ओके महाराज। आज मेरे भक्त श्रोताओं, इतने शब्द जैसे ही हुए
तब तक रुकम आ गया। जवाब दिया पिताजी। हाँ 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 पिताजी की जय जयकार हो। खुश रहो बेटा। पिताजी हाँ हाँ ये इतने लोग ये खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चों को गोदी में ले रखे, गाड़ियाँ खड़ी हैं, महाराज ये क्या है? तुम्हें पता नहीं है? नहीं पिताजी। तुम्हारी बहन जो रुक्मिणी है ना, शादी की चर्चा ही नहीं बस फैसला हो गया। पिताजी क्यों चर्चा और चर्चा ही नहीं फैसला भी हो गया? फैसला हो गया किसके साथ में? अरे बहुत सुंदर है। कौन है तुम नहीं जानते? कौन है? वो द्वारकाधीश का नहीं है। पिताजी उसके साथ नहीं करेंगे तो वो गऊए चराने वाला। तेरी नजर में कोई हो सुंदर तो तू बता दे, अभी शादी थोड़ी नहीं हो गई है ना। कौन है? मेरा साला। रुकम ने जवाब दिया, पिताजी सुनो मेरी बात। बबुला के बहन रे रुकम आज समुदा में हमारे साले सिसपाल के साथ में शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। आज मेरे भगवश्रोताओं जवाब दिया पिताजी। भीष्म बोले बेटा अरे बिल्कुल तू पागल है, अरे समाज क्या कहेगा, अपने साले के साथ में तू विवाह करेगा, ये दुनिया क्या कहेगी? जवाब दिया दुनिया से मतलब क्या है, दुनिया के साथ में शादी करेंगे, अपने साले के साथ में शादी करेंगे, अरे बड़े दिल वाला है, अरे बड़े पैसे वाला है, अरे रिश्ता में साला है तो क्या हुआ है? को तो कबू मत घासना डाली, अरे वो हमारो रिश्ता में सालो है, तासे तुम्हें पानी की बूझ तो ले तो है न, तुम जैसे को तो पानी की तक्की नहीं बूझे। और सुनो पिताजी, अगर कन्हैया हमारे दरवाजे पर आ गया तो समझ लेना हमसे क्या कहते हैं। रुकम कहते हैं पिताजी। बेटा समझ रहे हो? We'll be right back.
सुन ले रजामा। भैया इतनी के बात रुकम महल में बज गो। अब कलश वाली बिटिया बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहते हैं। आ जाओ बजी पा आ गया। मेरे भगव श्रोताओं, जैसे ही रुकम आया अपने महल में और लम्मा सा खत लिया और खत को अपने हिसाब से लिखने लगा। जैसे ही रुकम